बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा तलाल में वेलकम करती हूं। आज की जो रेसिपी वलीमा वीक में हम लेके आ रहे हैं वो है लबेशीरी। एक डिज़र्ट के बगैर जो है कोई भी दावत अधूरी होती है, और दावतों में जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, कोई भी डिज़र्ट्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बिल्कुल दावतों वाला लबेशीरी। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लबेशीरी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg जो है वो मिल्क लिया है। इसको हम अभी इसमें बॉईल आ जाता है, इसमें 1/2 cup के करीब शुगर डाल के इसको बॉईल करते हैं, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अच्छा, इसमें दूध में उबाल आ गया है। अब हम यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 tablespoons कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी। हमने तकरीबन 4 tablespoons के करीब इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, और इसको ज़रा सा इसको पकाते हैं। इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। ये देखें, अच्छा सा थिक हो गया है। अब इसको ठंडा करेंगे और फिर इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे, और मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो है तकरीबन 3/4 cup के करीब 3/4 packet जो है वो क्रीम का डाल रहे हैं। ये हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको एक अच्छा सा थिक टेक्स्चर देंगे इसका। और इसमें जो है 2 tablespoons के करीब कोई भी रेड शरबत डालेंगे हम। ये सेवैयाँ कलर्ड आती हैं, मैंने इसको सिंपल बॉईल करके रखा था। 3 tablespoons मैंने इसको बॉईल करके रखी हैं। कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। ये 1 प्याली इसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल मैंने डाला है। आप लोग चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा जो है वो फ्रूट कॉकटेल लगता है। और इसको जो है आखिर में हम गार्निश करेंगे। इसमें जेलो डालेंगे, रेड और ग्रीन, और थोड़ा सा इसमें नट्स डालेंगे, नट्स से गार्निश करेंगे। बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल दीजिए 2 tablespoons के करीब। ये थोड़े से हम इसमें 1 tablespoon के करीब बादाम पिस्ते डाल रहे हैं, और फिर थोड़े से ऊपर गार्निशिंग में डालेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी का इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा लबेशीरी रेडी हो गया, ठंडा हो गया, चिल हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको हम जेली से डेकोरेट कर रहे हैं, रेड और ग्रीन, जो भी आपकी मर्जी के कलर्स हैं आप डाल दीजिए उसमें। कोशिश कीजिए कि जेलो को आखिर में डालें, बिकॉज कभी कभार जो है वो जेली का कलर जो है वो ब्लीच करता है, तो आप सर्विंग के टाइम पे ही जेलो डालिएगा तो वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ पे जब गेस्ट आते हैं तो वो पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, इसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए अगर पसंद है तो, ऊपर से थोड़े से और डाल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। कल हमारी लास्ट एंड फाइनल रेसिपी है, जो कि है करंट पुलाव, मटन करंट पुलाव होगा। उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक रेसिपी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम लास्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।